हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। और आज आप लोगों के लिए मैं काफ़ी अच्छी अपडेट्स लेके आया हूं जॉब्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों कभी भी किसी को भी जब आप प्रशंसा करते हो किसी काम के लिए तो अच्छा लगता है, सबको हौसला बढ़ता है। तो मेरा भी हौसला बढ़ाते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की जॉब्स की जानकारी लाने की कोशिश करता रहता हूँ। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिए किस तरह की जॉब्स आप लोगों को और चाहिए, कहाँ की कौन सी स्टेट्स की आपको जॉब्स चाहिए। मैं वो आप लोगों के लिए रिसर्च करके यहाँ पे पोस्ट करता जाऊँगा। और दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वैकेंसीज के बारे में। तो आज की जो वैकेंसीज हैं, स्कूल टीचर वैकेंसीज 2021 पंजाब से, हरियाणा से, भोपाल से, महाराष्ट्र से और वेस्ट बंगाल से, इन 5 लोकेशन से, 5 स्टेट से आप लोगों के लिए आज मैं वैकेंसीज लेके आया हूं। मैंने यहां पे सैलरी आप लोगों के लिए 80,000 तक लिखी है, लेकिन सैलरी 1 लाख या 1 लाख से ऊपर भी हो सकती है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सैलरीज आप लोगों के लिए यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी स्कूल में आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, किसी में नहीं, लेकिन आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर सभी में अच्छा है। तो अब कवर करते हैं जो आज की वैकेंसीज में आप लोगों के लिए लेके आया हूं। और दोस्तों, आप अगर आगे भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया है। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं न्यू विजन पब्लिक स्कूल, श्री बालाजी शिक्षण प्रशासक मंडल की संस्था है ये। उनका ये न्यू विजन पब्लिक स्कूल है जो कि CBSE से एफिलेटेड है। यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, मराठी, और उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन विद B.Ed या फिर B.Ed डिप्लोमा हो या फिर B.Ed हो। और CBSE स्कूल में आप लोगों का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा मिडिल स्कूल टीचर्स की रिक्वायरमेंट है सोशल साइंस के लिए, साइंस के लिए, मराठी के लिए, मैथ्स के लिए, और इनके लिए भी ग्रेजुएशन विद B.Ed और 3 साल का एक्सपीरियंस। इसके अलावा सेकेंडरी टीचर्स चाहिए सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए, जिसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो सीनियर सेकेंडरी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, वो है मैथमेटिक्स के लिए, इंग्लिश और कंप्यूटर्स। आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में B.Ed और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे, वो है एडमिन ऑफिसर की। एडमिन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है MBA और साथ में 3 साल का स्कूल एडमिन का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके अलावा होस्टल रेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है किसी भी स्पोर्ट्स में आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और 3 साल का रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा वेलनेस टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए PG इन साइकोलॉजी होनी चाहिए, 3 साल का आपका CBSE स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप वॉक इन इंटरव्यू पे आ सकते हैं 22, 23 और 24 जुलाई 2021 को। लेकिन दोस्तों, अगर इन्होंने साफ लिखा है कि अगर आप वॉक इन इंटरव्यू, मतलब डायरेक्टली वहाँ पे इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो अपना रिज्यूम इस email ID पे जरूर भेजें, jobs@nvpsa.edu.in। सैलरी 9 बार फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स। नंबर 1, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेप्यूटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल में। सभी पोस्ट के लिए इंग्लिश में फ्लुएंसी होनी चाहिए, IT लिटरेसी होनी चाहिए। बैचलर्स को अकोमोडेशन दी जाएगी, साथ में खाना आपको फ्री में मिलेगा। और एड्रेस है मोदी सेंटर, रिंग रोड, अंबाजोगाई डिस्ट्रिक्ट, बीड, और ये महाराष्ट्र में। दोस्तों, इनकी वेबसाइट मैंने ओपन करके देखी है, तो आप भी अंबाजोगाई और न्यू विजन पब्लिक स्कूल लिखेंगे तो महाराष्ट्र का पूरा एड्रेस आप लोगों को साइट पे यहाँ पे आ जाएगा। ये मैं साइट फिर भी आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। ये है न्यू विजन पब्लिक स्कूल। यहाँ पे आप लोगों की अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को यहाँ पे खाना और रहना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, साथ में आप लोगों को सैलरी अलग से दी जाएगी। अब डिस्कस करते हैं दूसरे स्कूल के बारे में। दोस्तों जो दूसरा स्कूल है वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकाली गई हैं वो है प्रिंसिपल्स के लिए। जी हाँ, प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट है और एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पंजाब और हरियाणा में इनके स्कूल्स हैं। प्रिंसिपल रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल फॉर इट्स वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन इन पंजाब एंड हरियाणा। एग्जिस्टिंग भी हैं कई स्कूल और कई अभी अपकमिंग है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों में एक एक्सेलेंट लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए। डायनेमिक, एनर्जेटिक, हाईली मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड इंडिविजुअल होने चाहिए, ठीक है। कॉम्पिटेंट टू लीड अ टीम ऑफ डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स, एबिलिटी टू लाइजन विद पेरेंट्स थ्रू कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ठीक है। तो सैलरी और पर्क्स जो रहेंगे आप लोगों के लिए बहुत शानदार यहाँ पे रहेंगे। और +2 तक ये सेगमेंट जो बेस्ट इन K-12 सेगमेंट, और इस अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इन्हें अपना CV भेज सकते हैं। जो स्कूल है उसका नाम है DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स, ओके। 1946 का ये ग्रुप चल रहा है, 1946 से स्टार्ट हो गए थे ये स्कूल। तो एक प्रिंसिपल की नहीं, पंजाब और हरियाणा में जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी के लिए इनके पास प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट चल रही है। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लेटेस्ट फोटोग्राफ के साथ अपना रिज्यूम आप भेजिए टू apply.dcmho@gmail.com या फिर headhr.dcmho@gmail.com। इसके अलावा ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप पूरी की पूरी इनसे क्वेरी कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला स्कूल है वहाँ पे रिक्वायरमेंट है PRT इंग्लिश की और TGT इंग्लिश की। क्वालिफिकेशन शुड बी एज पर CBSE नॉर्म्स। अगर आप इन दोनों जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना बायोडाटा भेज सकते हैं sanskritischool@gmail.com को। और ये स्कूल जो है ये अमझाड़ा भोपाल में लोकेटेड है, द संस्कृति स्कूल के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पोस्टें ओपन हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। इसके बाद दोस्तों जो अगला स्कूल है वहाँ पे वॉक इन ड्राइव के लिए वाइस प्रिंसिपल के लिए वॉक इन इंटरव्यू चल रहे हैं। लेकिन अगर आप वॉक इन नहीं जा सकते क्योंकि कोरोना के कारण सारा कुछ सिस्टम अभी ओपन नहीं हुआ है और स्कूल्स को भी पता है, स्कूल्स को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, बार बार उनकी एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है। मैं तो काफ़ी टाइम से पोस्ट डाल रहा हूँ, कई रिपीटेड एडवर्टाइजमेंट आ रही है। कारण इसका यही है कि वॉक इन पे कैसे पॉसिबल है, तो इसलिए अब इन्होंने साफ लिखा होता है कि जो वॉक इन पे नहीं आ सकते हैं वो अपना बायोडाटा इन्हें रिज्यूम जो है बाई मेल भेज दें, ठीक है। तो पहली तो वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट B.Ed की हो, 15 साल का एक्सपीरियंस हो, यू कैन अप्लाई। इसके अलावा टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स 1st class to 5th class, 6 years एक्सपीरियंस, BSc MSc मैथमेटिक्स। मदर टीचर्स रिक्वायर्ड, साइंस टीचर्स रिक्वायर्ड 1 to 5 एंड सोशल साइंस टीचर रिक्वायर्ड 1 to 5 क्लास। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रिक्वायर्ड 1 to 10 क्लास। म्यूजिक टीचर रिक्वायर्ड 1 to 10 क्लास एंड हिंदी टीचर रिक्वायर्ड 1 to 10 क्लास, ओके। सैलरी विल बी वेरी वेरी गुड सैलरी दे विल पे यू, बिकॉज बहुत बड़ा ग्रुप है। वॉक इन इंटरव्यू उन्होंने 16 जुलाई फ्राइडे और 17 जुलाई सैटरडे को लिखा है, जबकि आज मैं 17 जुलाई को ही ये भी पोस्ट आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि 10 बजे से 5 बजे तक आप अपन यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर अपना CV सेंड कर सकते हैं इस email ID पे। तो आप ये email ID नोट कर लीजिए wbasansol@techno@narayanagroup.com। Candidate applying for teacher post must have experience of minimum 6 years in a reputed CBSE ICSE school. Candidate applying for vice principal post must have experience of 15 years. और ये नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स आसनसोल में ये वैकेंसीज निकली हैं आप लोगों के लिए। नारायणा स्कूल कल्याणपुर सेटेलाइट टाउनशिप और ये वेस्ट बंगाल में है। ये नंबर्स दे रखे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके भी पूरी इनसे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। सो आई विश बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।